भारत में अच्छा था, वो वहां खेती करता था और परचूनी की दुकान करता था, सुंदर दुकान थी, कोई कपड़े की दुकान थी, किसी के जूते की दुकान थी, वह ठीक था। यहां डॉलर का लालच, ऑर्डर देता है कि कल इतना पाउंड बीफ लाना, 200 पाउंड, 500 पाउंड, सुपरमार्केट चलाता हूं, वो कहता है कि कल 8 गायें काटकर मुझे लाना, 8 गायों की हत्या करना, मुझे लाना काट के, मैं बेचूंगा, डॉलर 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 इकट्ठे हो जाएंगे, नोट भर जाएंगे मेरे तिजोरियों में, मैं धनाढ्य हो जाऊंगा, फिर यहां भी दिखलाऊंगा बड़ी बड़ी कारों में घूम के और एरोप्लेनों में उड़ के भारत वालों को दिखलाऊंगा कि मैं कौन हूं। ये अहंकार भरा मनुष्य अपनी मान प्रतिष्ठा के कारण, अपनी इंद्रिय तृप्ति के कारण, अपने भोग विलासों के कारण, अपने अहंकार को फुलाने के कारण सब कुछ भूल जाता है, फिर भगवान उसको कहां से याद आएंगे। भगवान को याद करने के लिए तो कुछ तो आपके पास पवित्र शरीर चाहिए, पवित्र आसन चाहिए, पवित्र घर चाहिए, पवित्र किचन चाहिए, पवित्र मन चाहिए, पवित्र विचार चाहिए, पवित्र भावना होनी चाहिए आपके हृदय में, तब जाके थोड़ा भगवान की और आंखें खोलते हो या चलने लगते हो कहिए, या भगवान की विंडो आपकी और खुलती है। बुरे विचारों में कुछ नहीं होता, बुरे विचारों में तो बुरे काम होते हैं, बुरे भाव उठे तो बुरे काम होते हैं, कुभाव उठे तो बुरे काम होते हैं, नहीं स्वभाव उठनी चाहिए, स्वभाव आत्मा का भाव, स्वभाव ही नाम शब्द दिया है आपका ओरिजिनल स्वभाव, आत्मा स्वरूप से जो स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है उस परमेश्वर को प्रसन्न करना, शुद्ध कार्य करना, पाप कार्यों से बचना, धर्म कार्य करना, पुण्य कार्य करना, यह आत्मा का स्वभाव है। भगवान की सेवा करना, भगवान की सेवा, भगवान सर्वत्र है, आप थोड़ा सीखो तो कि भगवान की सेवा कैसे होती है। आपके पड़ोस में कोई भूखा बैठा है, परिवार में अन्न नहीं है खाने को, और आपके पास धन है और अन्न भी है, क्या आप मदद नहीं कर सकते? क्या उस उन लोगों में आप परमेश्वर को नहीं देख सकते? उन लोगों के हृदय में बैठे परमात्मा को नहीं देख सकते? उनकी मदद करनी चाहिए। मदद सब तो बनाया है, लेकिन उनकी सेवा करनी चाहिए। सर्वदैव फूल से, मीठी वाणी से नजदीक बैठ करके, पानी पिला करके, किसी भी रूप से जहां भी आप सेवा करते हैं वो भगवान की सेवा है, क्योंकि भगवान सर्वत्र व्याप्त है, पेड़ों में भी। किसी पौधे को, आपके घर में पौधे होते हैं, उनको टाइम टू टाइम जल पिलाते हैं, वो भी भगवान की सेवा है। अपने बच्चों को निलाते हैं, निखारते हैं, सुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, स्कूल भेजते हैं, ये भगवान की सेवा है। लेकिन भगवान को जान लो तब भगवान की सेवा है। यदि यही जाना कि ये मेरा बेटा है, मैं इसका बाप, इसको पढ़ा लिखा के बड़ा बनाऊंगा, तो भगवान को आप नहीं पहचाने कभी भी, 1% भी। सर्वत्र सबके हृदय में भगवान विराजते हैं। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, प्राणी मात्र के हृदय में, पेड़ पौधों के हृदय में भी भगवान विराजते हैं। किसी पौधे के पास भी आप किसी कीड़े को भी मारो तो साइंटिस्ट ने प्रूफ किया है कि वो पौधा कांप जाता है। हालांकि पौधे को आपने नुकसान नहीं पहुंचाया,
पौधे के नजदीक में एक कीड़े को मारा तो भी वो पौधा कांप जाता है। वहां भी भाव है, वहां भी विचार है। ये तमाम सृष्टि लयबद्ध है। जहां कोई मर रहा है वहां कुछ हमारा मर रहा है। इसको जानने के लिए आपकी भावना में शुद्धता चाहिए, और भावना में शुद्धता तभी आती है तब हम शुद्ध कार्यों में उतरें, शुद्ध शास्त्रों को पढ़ें, शुद्ध के साथ बैठें उठें, तब आपकी भावना शुद्ध होती है। उस परमेश्वर की सेवा है शुद्ध की सेवा करना। शुद्धम शरणम गच्छामि, उस शुद्ध की शरण में जाओ। बुद्धम शरणम गच्छामि, उस बुद्धिमान की शरण में जाओ जिसको परम ज्ञान है। धम्मम शरणम गच्छामि, उस धर्म की शरण में जाओ। धर्म क्या है? आपकी आत्मा का स्वभाव ही धर्म है। आपकी आत्मा का जो ओरिजिनल स्वभाव, प्रेम स्वरूपा, ज्ञान स्वरूपा, आनंद स्वरूपा, क्षमा स्वरूपा, दया स्वरूपा, जो ओरिजिनल नेचर है आत्मा की, उसकी शरण में जाओ। ये कंटामिनेटेड कॉन्शियसनेस लेकर के संसार में दुख पा रहे हो, बार बार जन्मते हो, मरते हो, बीमारियों में सड़ते हो, गड़ते हो, अपमानित होते हो, सारा कूड़ा करकट इकट्ठा करते हो, फिर त्याग के जाना भी पड़ता है इसको, लेकिन उसकी शरण में आने से आपकी अधोगति नहीं होती। आप नीचे को नहीं गिरते, आप ऊपर को चढ़ते हैं, ऊपर को चढ़ते हैं, आप आनंद की ओर चढ़ते हैं, ज्ञान की ओर चढ़ते हैं। सच पूछो तो आप उस असली सम्राट की सीट को प्राप्त करने के लिए चढ़ते हैं जिसको परम पद कहा है, जिसको विष्णु पद कहा है, जिसको अजर अमर पद कहा है, वैकुंठ जगत कहा है, जहां आप परमानंद हैं। तो आप आनंद की खोज में, लेकिन कनिष्ठ के टुकड़ों में आनंद मिलता है, ये रॉल्स रॉयस हो या एरोप्लेन हो या कुछ लेक्सस हो, मर्सिडीज हो, नहीं, इनमें आनंद नहीं मिलता। इनका इस्तेमाल करो लेकिन उस परमानंद को ना भूलो, उस परमेश्वर को ना भूलो। परमेश्वर की सेवा करने से आपको सुख मिलेगा, परमेश्वर की सेवा से वंचित हो जाने से आपको दुख मिलेंगे, कलेश मिलेंगे, भटकोगे, फंसे रहोगे दलदल में, जन्म मरण जरा व्याधि, जन्म मरण जरा व्याधि, ये चक्कर लगते रहेंगे आप बार 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 बार। कर्मों से गिर जाओगे तो पशु जानवरों में फिर जन्म होते जाएंगे, कभी कुत्ता, कभी घोड़ा, कभी गधा। ये आत्मा अपनी कर्मों की, अपनी भावना से आगे जाती है। भावना गंदी है, मलिन है, तो मलिन स्थान में जाके जन्म लेती है। कॉन्शियसनेस को निखारना चाहिए, शुद्ध करना चाहिए। हमारी भावना शुद्ध होनी चाहिए। प्यूरिफाई योर कॉन्शियसनेस बाय चैंटिंग, भगवान का, भगवान की कथा सुनने से आपको लाभ मिलता है। हियरिंग मेडिटेशन, श्रवण कला जो है ये ध्यान की कला है, और सबसे प्रथम और टॉप कला है कि एकमात्र भगवान की कथा, वार्ता, ग्लोरिफिकेशन, कीर्तन सुनते सुनते आप भगवान के प्रेमी बन जाते हैं, भगवान को प्राप्त कर लेते हैं सुनते सुनते।
श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये नौ प्रकार के विशेष साधन हैं। इनमें से कोई व्यक्ति एक को भी पूरी तरह से साध ले तो भगवान को प्राप्त कर लेता है, वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है, परम आनंद को प्राप्त, इटर्नल आनंद को प्राप्त कर लेता है, इटर्नल पीस सदैव उसके पास होता है। श्रवणम सुनना, कीर्तनम भगवान को ग्लोरीफाई करना, कीर्तन करना उसका, भगवान का सर्वत्र वो है, फूलों में, कलियों में, कोयलों में, चिड़ियों में, बाजों में, सिंहों में, हिरणों में, मछलियों में, मगरमच्छों, हाथियों में, गधों में, घोड़ों में, आप में, मोह में, जमीन में, आसमान में, सर्वत्र वो है, कण कण में भगवान है। आप उनको आदर दीजिए, उनको प्रणाम कीजिए, उनका पूजन कीजिए, लोग पीपल का पूजन करते हैं, पीपल वृक्ष का, ये जान करके कि पीपल वृक्ष में भी विष्णु भगवान परमात्मा छुपे हुए हैं, सत्य है। अगर इतना जानते हैं तो पीपल का पूजन करने से, पीपल को जल चढ़ाने से, खाद देने से, पीपल को प्रेम देने से आपके ऊपर भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान की कृपा आपको मिलती है, इसमें संदेह नहीं है। जैसे एक किसान अपने खेत में खेती करता है और अपनी सभी फसल के पौधों को प्रेम करता है, अवश्य वो भगवान को ही प्रेम करता है, लेकिन यदि अनकॉन्शियस है, भगवत ज्ञान नहीं है उसको, तो फिर वो अपने अन्न की रक्षा करता है, अपने पेट की रक्षा करता है, भगवान की नहीं, भगवान की सेवा नहीं करता। और यदि किसान को ये ज्ञान हो कि तमाम पौधों में वो परमात्मा समाहित है, देखिए कैसे लहरा रहा है, सरसों फूल रही है, फूल खिल रहे, सारी वसुंधरा पीली हो गई, हे प्रभु तेरा इतना सुंदर रंग, पत्ते पत्ते में आप प्रभु आपके हस्ताक्षर है, आप विराजे हुए हैं, आपको मैं जल पिलाऊं, आपको खाद डालूं, आपकी रक्षा करूं, जंगली जानवरों से बचाऊं, चोरों से बचाऊं, आपको प्रणाम करके जब पक जाए धान तो घर लाऊं, सबसे पहले आपको भोग लगाऊं और परिवार को खिलाऊं, जो भी कुछ करूं शुद्धता से, ये भगवान की भक्ति है, भगवान की सेवा है, भगवान का कर्म है, भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया कर्म है, ये भगवान की भक्ति है। भक्त्या माम अभिजानाति, तो भगवान को तत्व से जान लेते हो जब पेड़ पौधों में, पशु पक्षियों में, नर बानरों में, देवी देवताओं में भगवान समाहित है, तो क्या भगवान सर्वत्र नहीं है? सर्वत्र है। तो आपका इतना सुंदर रूप है, इतनी सुंदर वसुंधरा है, चांद तारे हैं, सुंदर फल हैं, बच्चे हैं, सुंदर चिड़िया हैं, किलकारियां भरती हैं, बच्चों की जमाते हैं, कोयलें कूक रही हैं बागों में, इन सब का रूप है, कितने रूपवान हैं। और इस वसुंधरा के, इस धरती के बाद में कोई रूप ही नहीं है, कोई ब्रह्मा नहीं है, कोई विष्णु नहीं है, कोई शिव नहीं है, कोई दुर्गा नहीं है, आपकी पृथ्वी से आगे कुछ है ही नहीं,
तो आपके ज्ञान किवाड़ बंद है। कहिए कि आप अज्ञान की तरह, अज्ञानी की तरह अंधेरे में भटक रहे हैं, मूर्ख की तरह, अवजानंती माम मूढ़ा, फिर उस परमेश्वर को कैसे पहचानोगे? पृथ्वी से आगे किसी चीज को मानते ही नहीं। यह तो सत्य की लिमिटेड, हमारी अपूर्ण इंद्रियों से, आंखों से हमने नहीं देखा ब्रह्मा जी, लेकिन शास्त्र इसका कथन कर रहे हैं, स्वयं कृष्ण कथन कर रहे हैं, बुद्ध कथन कर रहे हैं, गुरु नानक देव कथन कर रहे हैं, महावीर स्वामी कथन कर रहे हैं, लॉर्ड जीसस कथन कर रहे हैं। ये क्या सब झूठे हैं? या आपको भ्रमित कर रहे हैं, या आपको धोखे में रख रहे हैं? नहीं, उन्होंने ये जाना है, पहचाना है, देखा है। चैतन्य महाप्रभु जी दीवाने थे, पागल थे, मीराबाई की तरह ही कृष्ण जी के प्रेम में, तो उन्होंने कृष्ण को पहचाना। हर हर नाम जपंत्या कछु न कहे जमकाल, किछु न कहे जमकाल, नानक मन तन सुखी रहे अंते मिले गोपाल। गुरु नानक देव जी ने उपदेश किए संसार को, अरे मन, हे सांसारिक मन, हे यूनिवर्सल माइंड, उस प्रभु को पहचानो, प्रभु की शरण में आओ, उनको रिझाओ, उनको प्रेम करो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो कुछ भी तुम्हारे पास हो, एक पत्ता हो, एक फूल हो, एक फल हो, कुछ भी नहीं है, जल तो होता होगा, जल भी अर्पण कर दो। किसी प्यासे को जल इस भाव से पिला दो कि परमेश्वर मेरे द्वारे आया, जल पी रहा है, मेरे हाथ से प्रणाम कर दो, तो जल चाहे किसी ने भी पिया हो, चाहे गधे ने भी पिया हो, वो जल परमेश्वर को प्राप्त होता है। भक्ति उपरतम अश्नामी प्रियतात्मना, तदम भक्ति उपरतम अश्नामी प्रियतात्मना, मेरे प्रेमी प्रेम भाव से भरे भक्त के हाथ से यदि मुझे जल का ग्लास मिल जाए पीने को, तो उसको मैं पी लेता हूं, मैं स्वीकार करता हूं। और ये साइंस भगवान की इतनी परम है कि आपने जिस भाव से वो जल प्रदान किया है, किसी को पिलाया है, वो परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है। यदि परमेश्वर भाव से आपने जल पिलाया है तो, यदि कोई प्यासा होगा, कोई प्राणी बेचारा, कोई जीव आत्मा, कोई गधा घोड़ा या कोई भिखारी, इस भाव से, या मेरा अतिथि, इस भाव से पिलाया, तो ये अतिथि और गधे घोड़े को ही प्राप्त होता है, परमेश्वर को नहीं। आपके भाव की बात है सारी, आपके अंदर ही परमात्मा है, परमेश्वर है। आपके जैसे भाव होंगे उसी रूप में उसके दर्शन होते हैं। इसलिए तो संत तुलसीदास जी ने कहा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिमी वैसी। जय गोपाल, समय समाप्त है अभी। जय गोपाल।